नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश का फंडा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछे गए एडवांस इंग्लिश वर्ड्स के बारे में सीखेंगे। आज की वीडियो में टोटल 36 वर्ड्स को कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी करना। अगर आप हमारे चैनल पर आज ही आए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला वर्ड है प्यारे दोस्तों वेजर, WAGER वेजर, जो कि एक नाउन भी होता है और वर्ब भी होती है। जब हम इसकी नाउन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू रिस्क इन द होप ऑफ विनिंग मोर, यानी वो पैसा जो और ज़्यादा पैसा जीतने की उम्मीद में आप दांव पर लगाते हैं, वो रकम यानी बाजी, बाजी पर लगाई गई रकम, दांव पर लगाया गया पैसा। जब हम इसकी वर्ब की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बाजी पर लगाना, दांव पर लगाना, टू बेट फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए शर्त लगाना। इसके सिनोनिम्स होते हैं गैम्बल, गैम्बल जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बाजी लगाना, जुआ खेलना। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है जुआ या बाजी। बेट, बेट जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है शर्त लगाना। स्टेक, स्टेक का मतलब होता है दांव पर लगाना, या फिर वेंचर, वेंचर एक वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। जब हम इसकी वर्ब की बात करते हैं, वेंचर का मतलब होता है जोखिम भरा काम करना। जब हम नाउन की बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जोखिम यानी रिस्क। एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। मैंने एक दांव लगाया कि वह जीत जाएगा, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई मेड अ वेजर दैट ही वुड विन, I made a wager that he would win। इस सेंटेंस में wager एक नाउन है। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं बाजी लगाता हूँ कि सिर्फ मैं ही एग्जाम टॉप करूँगा, तो आप इसे कहेंगे I wager that only I will top the exam। I wager that only I will top the exam। इस सेंटेंस में wager एक वर्ब है। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों contrive, 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 contrive जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू प्लान और इन्वेंट समथिंग इन अ क्लियर और डिसऑनेस्ट वे, यानी चालाकी और बेईमानी से कुछ करने की योजना बनाना, षड्यंत्र रचना। इसके सिनोनिम्स हैं प्लॉट, प्लॉट जो कि एक वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। एज अ वर्ब इसका मतलब होता है षड्यंत्र रचना। जब हम नाउन की बात करेंगे तो प्लॉट का मतलब हो जाएगा षड्यंत्र। इसके बाद है कनकॉक्ट, कनकॉक्ट जो कि एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है जाल रचना। इसके बाद है फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कुछ करने की योजना बनाना। इसके बाद है मैनिपुलेट, मैनिपुलेट जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कंट्रोल समथिंग विद स्किल, यानी अपनी योग्यता एवं कुशलता से किसी चीज़ को नियंत्रित करना, किसी चीज़ को काबू में करना। इसके बाद है रिग, रिग जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है धांधली करना। एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। कैदियों ने भागने के लिए एक रास्ता बनाया, यानी बड़ी चालाकी से योजना बनाई, तो आप इसे कहेंगे द प्रिजनर्स कंट्राइव्ड अ वे टू एस्केप, द प्रिजनर्स कंट्राइव्ड अ वे टू एस्केप। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसने प्रिंसिपल के साथ एक मीटिंग की, यानी बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी चालाकी के साथ उसने एक मीटिंग की, तो आप इसे कहेंगे ही कंट्राइव्ड अ मीटिंग विद द प्रिंसिपल, ही कंट्राइव्ड अ मीटिंग विद द प्रिंसिपल। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों बिहू, BEHOOF, बिहूफ, बिहूफ का मतलब होता है लाभ या फायदा। बिहूफ एक नाउन होता है। इसके सिनोनिम्स हैं बेनिफिट, बेनिफिट भी एक नाउन है, मतलब होता है फायदा। एडवांटेज, एडवांटेज भी एक नाउन है, इसका मतलब होता है फायदा। या फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट भी एक नाउन है, इसका मतलब होता है लाभ। एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। सरकार को गरीबों के फायदे के लिए नई योजनाएं शुरू करनी चाहिए, तो आप इसे कहेंगे द गवर्नमेंट शुड लॉन्च न्यू स्कीम्स फॉर द बिहूफ ऑफ द पुअर, द गवर्नमेंट शुड लॉन्च न्यू स्कीम्स फॉर द बिहूफ ऑफ द पुअर। एक और एग्जांपल देखिए, माँ बाप अपने बच्चों को उनके फायदे के लिए डांटते हैं,
तो आप इसे कहेंगे पेरेंट्स स्कोल्ड देयर किड्स फॉर देयर बिहू, पेरेंट्स स्कोल्ड देयर किड्स फॉर देयर बिहू। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों बेलफुल, बी ए एल ई एफ यू एल, बेलफुल। बेलफुल एक एडजेक्टिव है, मतलब होता है खतरनाक, नुकसानदायक, हानिकारक। इसके सिनोनिम्स हैं हार्मफुल, हार्मफुल एक एडजेक्टिव है, मतलब होता है नुकसानदायक। डेंजरस, डेंजरस भी एक एडजेक्टिव है, मतलब होता है खतरनाक। मलिग्नेंट, मलिग्नेंट भी एक एडजेक्टिव है, मतलब होता है घातक। मिनेसिंग, मिनेसिंग भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है धमकी भरा, खतरनाक। इंजूरियस, इंजूरियस भी एक एडजेक्टिव है, मतलब होता है हानिकारक, नुकसानदायक। रुइनस, रुइनस भी एक एडजेक्टिव है, मतलब होता है बर्बाद कर देने वाला। नॉक्सियस, नॉक्सियस भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हानिकारक, विषैला, जहरीला। एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं, तुम्हें इसके खतरनाक परिणाम झेलने पड़ेंगे, तुम्हें इसके खतरनाक, नुकसानदायक, हानिकारक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। तो आप इसे कहेंगे यू विल हैव टू फेस इट्स बेलफुल कॉन्सिक्वेंसेज, यू विल हैव टू फेस इट्स बेलफुल कॉन्सिक्वेंसेज। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, तो आप इसे कहेंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम अ बेलफुल डिजीज, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ बेलफुल डिजीज। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों ग्रैपल, जी आर ए डबल पी एल ई, ग्रैपल। ग्रैपल जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू गेट होल्ड ऑफ समबडी, टू गेट होल्ड ऑफ समथिंग, ट्राई टू कंट्रोल समबडी, ट्राई टू कंट्रोल समथिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को पकड़कर उससे लड़ना या उसे काबू में करने की कोशिश करना। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं किसी चीज से जूझना, लड़ना। इसके सिनोनिम्स होते हैं कन्फ्रंट, कन्फ्रंट एक वर्ब है, मतलब होता है किसी चीज से सामना करना, किसी चीज का सामना करना। एनकाउंटर, एनकाउंटर भी एक वर्ब है, मतलब होता है सामना करना, लड़ना। कम्बैट, कम्बैट जो कि एक वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। कम्बैट जब वर्ब की बात करेंगे तो इसका मतलब होएगा संघर्ष करना, लड़ना, जब नाउन की बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा लड़ाई या संघर्ष। इसके बाद है स्ट्रगल, स्ट्रगल जो कि एक नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। नाउन की बात करें तो संघर्ष, अगर वर्ब की बात करें संघर्ष करना। एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं, पतियों को पत्नियों की गैर हाजिरी में बच्चों के साथ संघर्ष करना पड़ता है, तो आप इसे कहेंगे हस्बैंड्स हैव टू ग्रैपल विद द किड्स इन द एब्सेंस ऑफ वाइव्स, हस्बैंड्स हैव टू ग्रैपल विद द किड्स इन द एब्सेंस ऑफ वाइव्स। एक और एग्जाम्पल देखिए, सभी पत्नियों को अच्छा खासा पता है कि अपने पतियों को कैसे काबू में करना है, तो आप इसे कहेंगे ऑल वाइव्स नो वेरी वेल हाउ टू ग्रैपल देयर हस्बैंड्स, All wives know very well how to grapple their husbands. Next word है प्यारे दोस्तों scuffle, S C U double F L, scuffle। Scuffle जो कि एक noun है, इसका मतलब होता है a short and sudden fight, यानी हाथापाई, हल्की फुल्की झड़प। इसके synonyms हैं tussle, tussle एक noun है, मतलब होता है हाथापाई, हल्की फुल्की लड़ाई। Brawl, ब्रॉल भी एक नाउन है, मतलब होता है शोर शराबे वाली लड़ाई, झगड़ा। रंपस, रंपस भी एक नाउन है, मतलब होता है झगड़ा। स्क्रीमिज, स्क्रीमिज भी एक नाउन है, मतलब होता है संघर्ष या लड़ाई। एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं, प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में, हाथापाई में 3 पुलिस ऑफिसर घायल हो गए, आप इसे कहेंगे 3 पुलिस ऑफिसर्स वर इंजर्ड इन स्कफल्स विद डेमोन्स्ट्रेटर्स, 3 पुलिस ऑफिसर वर इंजर्ड इन स्कफल्स विद डेमोन्स्ट्रेटर्स। एक और एग्जाम्पल देखिए, उनकी नोक झोंक अचानक हाथापाई में बदल गई, आप इसे कहेंगे देयर लाइट फाइट सडनली टर्न्ड इनटू अ स्कफल, देयर लाइट फाइट सडनली टर्न्ड इनटू अ स्कफल। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।